चिंतन में सुलेमान नगर में आज एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। सुलेमान नगर का 19 साल मोहम्मद फैसल जो कि ए टू जेड स्विमिंग पूल में नहा रहा था, स्विमिंग पूल में डूबने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्विमिंग पूल के इंतजामिया की गैर जिम्मेदारी के सबब यह अफसोसनाक हादसा पेश आया। और यहाँ तक के बच्चा डूब रहा, पानी पी के तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कहते वहाँ कोई ट्रेनर नहीं आता था। तीन वो स्विमिंग पूल छोटा है ना, तीन नहीं आता, शौक के खातिर चले आ रहे। अब उसके अंदर साफ सफाई नहीं है, संजाले ठहरने की कोशिश भी करो तो ठहर नहीं सकता, गिर जाता है। आज राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के अंदर शिवरामपल्ली में एक ए टू जेड स्विमिंग पूल बोल के है और स्विमिंग पूल में 11:30 बजे एक बच्चा 23 इयर्स का बच्चा है मोहम्मद फैसल बोल के डूब गए। तो वो थोड़ा साथ चल रहा था बोल के वहाँ पे आजू बाजू देख के उसको ले जाके मैत्री हॉस्पिटल मेदीपट्टनम लेके गए। मेदीपट्टनम जाते वक्त उनका इंतकाल हो गया। तो ये ए टू जेड जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल इंचार्ज जो मुजम्मिल, इनके ऊपर इससे पहले भी एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ था 3 महीने पहले। तो एक 17 साल बच्चा जब मर गए थे यही पूल में, तो जब बीच हम जीएचएमसी वाला को लेटर लिख के स्विमिंग पूल को सीज करने लगा है, बाद में ये लोग पूरा कंडीशंस वगैरह फुलफिल करता हूँ बोल के जीएचएमसी वाला को अंडरटेकिंग देने के बाद ये लोग रिलीज करके फिर 1-1.5 महीने से चला रहे। मेरे स्विमिंग पूल चला है, सो जो इंचार्ज है और जो मैनेजमेंट है उनका जिम्मेदारी है कि सब जो फैसिलिटीज और जो प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए जो टिप्स लेना है वहाँ पे ट्रेनर को लगाना है, और ये जो तीरने नहीं आता है ये लोगों को ट्यूब्स वगैरह डाल के अंदर भेजना है। आज दिन में दोपहर में श्रीदेवी कॉलोनी में स्विमिंग पूल है, उसमें मोहम्मद फैसल नामी बच्चा है, आज वो बच्चे का वो स्विमिंग पूल में इंतकाल हो चुका है। उसकी जिला सदर मुहतरम नसीब मिलत अनहाज बैरक्शर असदुद्दीन अंसी साहब को मिलते हैं। मैं सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर यहाँ मैत्री हॉस्पिटल को आया हूँ और बच्चे की डेड बॉडी अभी उस्मानिया में पोस्टमार्टम के लिए लेकर जा रहे हैं मार्चरी को। आज से तकरीबन 1-2 माह पहले भी इसी तरीके से स्विमिंग पूल में ये हादसा हुआ था, उस टाइम पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साइबराबाद सीपी कंप्लेंट करे थे और राजेंद्र नगर पुलिस में कंप्लेंट करे थे कि ये जो स्विमिंग पूल के जिम्मेदारान लापरवाही से जो स्विमिंग पूल चला रहे हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त केसेस लगा के सख्त से